नागपुर के हुड़केश्वर थाने में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में पुलिस ने 37 वर्षीय सुमित आकरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुमित आकरे ने चैतन्य नगर निवासी हर्षल रंगारी को कम समय के निवेश में ज्यादा ब्याज देने का लालच दिया था। इसके बाद हर्षल ने करीब 19 लाख रुपयों का निवेश किया, जिसमें से 12 लाख रुपए वापस मिले, लेकिन बकाया 7 लाख की रकम वापस नहीं मिली। इसके बाद हर्षल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच के बाद आरोपी सुमित आकरे को गिरफ्तार कर लिया गया।